सरदार मेहताब साहब आप पहले। Leader of the House, the Director should address the first. It is his prerogative to address the House after his election. That is appropriate. And the other parliamentary leaders should address after. This is the normal practice. मेरा ख्याल है वाइंड अप अगर वो स्पीच कर ले। No, it is not winding up. Actually, it is his first address and it should be started by the leader of the House elected. आप मनाजिर देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, जहां पर तहरीक इंसाफ के परवेज खत्तर 84 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं और तहरीक इंसाफ के परवेज खत्तर अब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। मद मुकाबिल थे इनके साथ JUI से ताल्लुक है मौलाना लुत्फुर रहमान का, जिन्होंने 37 वोट हासिल किए हैं। और अगर देखा जाए तो 84-37 वोट में 47 वोट का डिफरेंस है। 47 वोट ज्यादा लेकर परवेज खत्तर, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो मुंतखब हो गए। जनाब परवेज खटक साहब लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब हुए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज एक बहुत अजीम दिन है इस सूबे की तारीख में और इस असेंबली की तारीख में कि जब जमहूरी निज़ाम के तसलसल में एक जमहूरी हुकूमत के इख्तिताम पर इंतखाब हुए और इंतखाब के नतायज में इस सूबे की अक्सरियती जमात जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको मौका दिया गया। उसके साथ उनके इत्तेहादी हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं और इस तसलसल में एक बहुत बड़ी मुस्तहकम जमहूरी रवायत कायम हुई है कि आज इंतकाल इक्तदार का वो दौर जिसके लिए पाकिस्तान के आवाम ने अपनी बड़ी तवील जद्दोजहद की जमहूरियत की बका के लिए, इस मुल्क में पार्लियामानी निज़ाम और जमहूरी निज़ाम के इस्तेकाम के लिए और एक इंतकाल इक्तदार को दूसरे सियासी क़यादत के हाथ में देने का अमल आज बड़े खुश उसलूबी से तय हुआ। ये ना सिर्फ सूबे में बल्कि इस मुल्क की तारीख में भी बड़ा कीम। जनाब स्पीकर, माजी में हमने हमेशा देखा कि जमहूरी निज़ाम की जड़ें बार बार उखड़ती रहीं, उसको पाकिस्तान की 65-66 साल की ज़िंदगी में एक तनावर दरख्त होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सारी माजी जो है वो इस